दिल्ली के वजीराबाद थाना इलाके में यमुना किनारे बोरे में बंद लाश मिलने से हड़कंप मच गया। ये शव यमुना क्षेत्र में बुराड़ी पुश्ते से नीचे गंदे पानी में पड़ा हुआ था, जिस पर बार बार पक्षी आकर बैठ रहे थे। किसी राहगीर ने पुलिस को इलाके में शव पड़े होने की सूचना दी। इलाके में शव पड़े होने की सूचना पाकर वजीराबाद थाना पुलिस आला अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची। लोगों की मदद से पुलिस ने शव को पानी से बाहर निकाला, तब पता चला कि बोरे में बंद ये शव एक युवक का है। हालांकि शव की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। मेरा नाम कपिल कुमार है। मैं सुबह यहाँ पे अपने कोर्ट के लिए यहाँ से निकल रहा था, तो देखा काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे पुलिस वाले मौजूद थे। तो देखा मैंने तो यहाँ पे एक लाश पड़ी हुई थी जो कि काफ़ी सड़ी गली अवस्था में थी, तो उसको लाश को निकालने के लिए यहाँ पे पुलिस वाले मौजूद थे काफ़ी संख्या में। कौन सा थाना या इलाका लगता है? ये थाना वजीराबाद लगता है, और यहाँ पे ये जो पुश्ते वाला रोड है ये काफ़ी सुनसान इलाका है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, और यहाँ पे पुलिस के पेट्रोलिंग नाके बराबर है। तो मैं दिल्ली पुलिस से भी डिमांड करूँगा कि यहाँ पे पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए ताकि ऐसी आपराधिक घटनाएं यहाँ पे ना हो। पिछले एक महीने में लगभग यहाँ पे काफ़ी सारी थाना वजीराबाद में काफ़ी सारी आपराधिक घटनाएं हो चुकी हैं। यहाँ पे जिस तरह से ये सुनसान इलाका है, तो उस तरह से कई बार यहाँ पे लूट की कोशिश की गई है, और सुनसान इलाका है तो यहाँ पे लड़कियों के लिए भी सेफ नहीं है। तो इसलिए मेरी दिल्ली पुलिस से मांग है कि यहाँ पे थोड़ा सा पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, और यहाँ पे स्ट्रीट लाइटें भी यहाँ पे सरकार के द्वारा लगाई जाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सब्जी मंडी मोर्चरी भिजवा दिया है। शव किसी 30 से 35 साल के युवक का लग रहा है, और आशंका जताई जा रही है कि इसे यहां पर लाकर फेंका गया है। वहीं पुलिस ने भी लोगों से शव की पहचान के लिए अपील की है। इधर इलाके के लोग पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि यहां पर पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, जिससे अपराधी आपराधिक वारदातों को अंजाम न दे सके। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।